हाय गाइस, तो कैप्चा एक ऐसी चीज़ है जिसको लाइफ में कभी ना कभी तुम लोगों ने फेस करा होगा। हो सकता है कभी फॉर्म साइनअप के टाइम पे, पेमेंट करने के टाइम पे, या फिर नॉर्मली किसी छोटी मोटी जगह पे। बट एक्चुअली में कैप्चा है क्या, क्यों है कैप्चा, एंड क्या इससे आपकी प्राइवेसी खतरे में है? तो यही सब बात करेंगे एंड शुरू करते हैं सबसे पहली चीज के साथ, विच इज व्हाट इज अ कैप्चा। तो देखो, फुल फॉर्म की बात करें तो कैप्चा इज अ कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। इन शॉर्ट, एक ऐसा टेस्ट जिसके थ्रू तुम पता लगा सकते हो कि कौन सा मशीन है एंड कौन सा इंसान। यह इसका मूलभूत या फिर बेसिक काम है। तो कैप्चा का आविष्कार हुआ 2003 में, कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां थी, करा होगा उन्होंने आविष्कार, बट क्यों करा? ताकि उस टाइम पे जो पीडीए हैकर थे उनकी वजह से तुम्हारी प्राइवेसी खतरे में ना आ जाए। बट अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो केस अलग था। अब जिस केस में इसको यूज करें, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो फिर अब तुम पूछोगे, भाई यूज कहाँ करते हैं इसको? तो तुमने देखा होगा पोल्स में यूज करते हैं, ताकि ऑलमोस्ट जो पोल्स डाले जा रहे हैं वो जेन्युइन रहे। दूसरा एग्जांपल है कमेंट्स में, वहां पे तुम्हें कैप्चा देखने को मिल जाएगा, ताकि कोई भी इसको स्पैम ना कर दे, ठीक है। तीसरा है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जब भी तुम साइन अप करते हो, या फिर ज्यादातर केस में साइन इन पर भी होता है बहुत सारी जगहों पर, तो वहां पर भी तुम्हें कैप्चा मिल जाएगा। और अगर तुमने कभी अपनी आईटीआर भरी है तो गाइज वहां पर तो कैप्चा मिलता ही मिलता है। और चौथा है बाइंग एंड सेलिंग। यूजुअली इसको इसलिए करा जाता है ताकि एक बंदा 20-30 ना खरीद ले, या फिर 300-400 ना खरीद ले टिकट्स को या फिर किसी आइटम को। तो हाँ, इस तरीके से चीजें भी यूज की जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, गूगल क्यों यूज करता है कैप्चा? तो गाइज एक तो सिंपली एग्जांपल है कि वो तुम्हें सर्विसेज दे पाए, ना कि किसी रोबोट को। ओके, मैं समझाता हूँ। लेट सपोज गूगल एक टाइम पे 100 लोगों को सर्विस दे सकता है। अब गूगल कॉम्पिटिटर ऐसा कर सकता है ना, एक कंप्यूटर बिठा दे जिससे वो 50 रिक्वेस्ट भेजे, तो 50 ही लोगों को सर्व कर पाएगा गूगल, राइट? ताकि इसीलिए वो केवल ह्यूमंस को ही सर्विसेज दे, इसलिए कैप्चा यूज करता है गूगल। दूसरा एग्जांपल है एआई को ट्रेन करने के लिए, एंड ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो अब गूगल क्या कर रहा है, तुम्हें फुटपाथ की फोटो दिखाएगा, ट्रैफिक लाइट्स की फोटो दिखाएगा, रोड पे तुम्हें ब्रिजेस बने हुए ऊपर तो उसकी फोटो दिखाएगा, कार्स कौन सी है, टैक्सी कौन सी है, ट्रेन कौन सी, इन सब की फोटो दिखा रहा है। तो इससे कर क्या रहा है, इससे वो अपने एआई को ट्रेन कर रहा है, जो इंटरनली गूगल की एआई ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है उसको ट्रेन कर रही है। तो इन शॉर्ट तुमको वो यूज कर रहा है ताकि वो अपना पैसा बना सके। समझ रहे हो तुम कितना डीप सोचा है गूगल ने? तो अब गूगल कहां कहां यूज करता है? तो अगर तुम कभी इनकॉग्निटो से सडनली गूगल खोलते हो तब ये यूज हो सकता है, साइन अप करते हो तब ये यूज होता है, अगर तुम पासवर्ड रीसेट करते हो तब ये यूज होता है, या फिर तुम्हारे अकाउंट से कोई सस्पिशियस एक्टिविटी उसको लग रही है तो तब भी यूज कर सकता है गूगल। मतलब जगह कोई नहीं है, जहां उसका मन करेगा वहां वो तुमसे कैप्चर करवा लेगा, ठीक है। तो इतने सारे मैंने इसके फायदे गिनवा दिए, तो इशू क्या नहीं है इसमें कोई? तो गाइस इशू तो है। पहला इशू, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं यार, कैप्चा भरना पड़ता है। दूसरा इशू, कभी कभी लोड भी नहीं होता वो, क्योंकि उसको ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए होती है इमेजेस लोड करने के लिए। और तीसरा इशू, अगर तुम लोगों को असिस्टेंस की जरूरत होती है, जैसे कुछ लोग देख नहीं सकते, कुछ लोग सुन नहीं सकते, इन दैट केस यार वो कैप्चा कैसे भरेंगे, राइट? तो उनको भी एक दिक्कत होती है। बाकी फिर अब तुम पूछोगे, भाई कैप्चा कौन कौन से होते हैं? तो गाइस बहुत ही सिंपल है, नंबरिंग वाले तुमने भरे होंगे, टेक्स्ट बेस भी तुमने भरे होंगे, एंड गूगल ने पता है उस टेक्स्ट बेस से अपनी पूरी की पूरी बुक्स की लाइब्रेरी को डिजिटाइज कर दिया। तो तुम समझ रहे हो, तुमसे जो चीज एआई सीख रहा है वो किसी अच्छे काम में भी लग रहा है। तो पुराने जमाने की बुक्स जिनमें फॉन्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो मशीन ने उसको पूरा डिजिटाइज ही तुम्हारे थ्रू करा। एंड तीसरा, इमेजेस मैं बता ही चुका हूँ, ट्रैफिक लाइट, कार्स, बसेस, समझ गए हो तुम। एंड चौथा, ऑडियो। तो हाँ गाइस, ऑडियो भी गूगल यूज करता है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, तो सुन के तुम टाइप कर सकते हो, तो हाँ तुम्हारे लिए वो भी है। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी कैप्चा की जर्नी। अगर तुम लोगों को मजा आया हो ऐसे ही एक्सप्लेनर्स में, तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली बार इसी तरह अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।